अरे हाँ हाँ आ गया मैं फिर से। एक दिन हो गया, पता है मुझे। यार मैं जो है नॉर्मली गेम खेल रहा था, फ्री फायर ऑन करके मैं ना ऐसे ही चेक कर रहा था रीजन वगैरह, तो मेरे को अचानक से मैं देखता हूँ कि भाई कल सीजन आ रहा है। ठीक है, कल 24 तारीख है और कल आ रहा है गाइस सीजन। आज जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ सुबह के 8 बजे, ऑब्वियसली अपलोड करूंगा, 23 तारीख है और तुम लोगों को पता है कि कल सीजन आने वाला है। यार मुझे एक बात याद आई कि मैंने अभी तक क्लैश कॉर्ड से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड नहीं करी है। सो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें कुछ 5 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ जिससे कि तुम लोग अपना आसानी से रैंक पुश कर सकते हो क्लैश कॉर्ड के अंदर। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, आप रैंडम प्लेयर के साथ भी वो ट्रिक अप्लाई करोगे वो 100% वर्किंग करेगी और ग्रैंड मास्टर वो आपके हाथ में है जितना आप खेलोगे। ठीक है, और ट्राई करना, हर एक गेम भुया निकलेगा आपका इस ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करोगे तो। सबसे पहले तो एक काम कर दो, जो ये कहरी भाई बोल रहा है ना इसको कर दो फटाफट से। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। भाई बेशर्मो शर्म करो, अगर अभी भी तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, कैरी मिनाटी ने बोला है भाई, लिटरली मेरी वीडियो में आके कैरी मिनाटी ने बोला है, समझ रहे हो। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। सो ज्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट ना करते हुए एक छोटे से इंट्रो में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पांचवें नंबर पर जो हमारी ट्रिक आती है वो गाइज एक ऑब्वियसली कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन गाइज वो इंपॉर्टेंट है तो मैंने उसको रखा है करेक्टर कॉम्बिनेशन। ये आपको करना आना चाहिए, जैसे मैंने रखा है ये करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको लगाने सबसे पहले मैं कैली, मैक्सिम, वूकोंग और लिक्विटा। ठीक है, और पेट के अंदर गाइज आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो, पेट के अंदर गाइस आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप बीस्टन, वूकोंग वगैरह लगा सकते हो, रॉकी वगैरह। इसके टॉपिक के ऊपर अलग से मेरी वीडियो आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो आप उसके ऊपर जाके जरूर देखना। ठीक है गाइस, उसके अंदर बताऊंगा बेस्ट पेट के बारे में, जो कि देखने के बाद आपको कहीं मज़ा आ जाएगा, मतलब सब कुछ पर नॉलेज मिल जाएगी। इसी बात पर फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। जो हमारी फोर्थ टिप है वो बहुत ही सिंपल है, आपको जो है राउंड के हिसाब से गन चूज़ करने की नॉलेज होनी चाहिए। अब जिन बंदों को नॉलेज नहीं है वो थोड़ा सा वेट कर ले, ठीक है, मैं उनको बताऊंगा कि कौन सी गन मतलब आप चूज कर सकते हो। देखो आपको सबसे पहली बात तो आपको अपनी फेवरेट गन चूज करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट रेंज में जो है अपना ये कट्टा लिया है और दूसरे के अंदर जो है मैंने UMP ली है, दोनों मेरी फेवरेट गन है, मैंने इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, आप चाहो तो आप भी अपनी फेवरेट गन ले सकते हो, अदरवाइज आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख लेना, उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कौन सी गन यूज कर सकते हो, मतलब करेक्टर मतलब क्या कहते हैं उसको, अपना कॉम्बिनेशन बताऊंगा आपको कौन से मोड के अंदर क्या खेल सकते हो आप। गाइस मैं ज्यादा से ज्यादा ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को छोटी सी वीडियो के अंदर फुल नॉलेज देने की, ठीक है, तो इसी बात पे लाइक जरूर कर देना यार वीडियो को। कोई तरीका है भीख मांगने का? गजब बेइज्जती है। तीसरे नंबर पे जो हमारी ट्रिक आती है वो है गाइस आपको जो है हमेशा बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है सर्वाइव करके खेलने की, चाहे वो CS हो चाहे वो रैंक हो। ठीक है, मैं CS की बात कर रहा हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब सर्वाइव करने की कोशिश करनी है, क्योंकि गाइस सर्वाइव अगर आप नहीं करोगे तो आप भुया नहीं निकाल सकते, क्योंकि यार CS के अंदर भी बहुत ज़्यादा कैंपिंग होती है। ठीक है, सामने वाली एनिमीज भी कैंपिंग कर रहे होते हैं, तो आप भी चाहो तो कैंपिंग कर सकते हो। आगे मैं आपको रैंडम प्लेयर्स के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है, अभी ये वैसे मैं हर गेम जो खेल रहा हूँ मैं रैंडम प्लेयर के साथ ही खेल रहा हूँ। एक बात और ध्यान में रखना, अगर आप लोग रश करके खेलोगे ना तो यार इतना ज़्यादा मतलब आपको नेक्स्ट लेवल होना चाहिए कि आप मतलब रश करके पूरा पूरा स्कोर निकाल सको। ठीक है, मेरे आइडिया से तो गाइस मतलब इतना ज़्यादा अच्छा कोई भी नहीं खेल पाता है। ठीक है, मतलब बहुत, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हर कोई, लेकिन यार फिर भी बहुत कम बंदे ही खेल पाते हैं ऐसा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब नेक्स्ट लेवल, क्योंकि सामने वाले एनिमीज भी बहुत अच्छा आने लगे हैं क्लैश कॉर्ड के अंदर, तो आपको संभल के खेलना पड़ता है। ठीक है, सर्वाइव करोगे तभी आप लोग ग्रैंड मास्टर या फिर अपना रैंक पुश अच्छे से कर पाओगे। दूसरे नंबर पर जो हमारी ट्रिक आती है गाइस वो है कभी भी रैंडम प्लेयर पर ट्रस्ट मत करो और 1v4 करने का ट्राई करो, 1v4 करने का ट्राई करो। और कभी भी मैं तो कभी भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, जब भी मैं रैंडम प्ले करता हूँ ना तो मैं ऐसा समझता हूँ जैसे मैं 1v4 प्ले कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना, मतलब 1v4। यहाँ पे तुम लोग सिचुएशन देखो कि मतलब मेरे जो बंदे हैं फटाफट नॉक होते जा रहे हैं, नॉक होते जा रहे हैं, और मैं जो है ट्राई कर रहा हूँ, मैंने दो बंदे हैं मेरे यहाँ पे टीममेट नॉक हो चुके हैं, एक बंदे को मैंने नॉक किया, तीन बंदे बचे। यहाँ पे देखो तीनों के तीनों मेरे दोस्त जो मतलब रैंडम प्लेयर है वो मर चुके हैं, अब मैं अकेला बचा, अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, तुम लोग बताओ। यहाँ पे मैंने दो बंदे डाउन करे और मैंने डिसाइड किया मैं फटाफट से किसी एक रैंडम प्लेयर को ट्राई कर देता हूँ, क्या पता ये बॉट किसी ना किसी को मार दे, क्योंकि रैंडम प्लेयर क्या होते हैं ना यार, बॉट ही होते हैं ऑलमोस्ट, आप बॉट ही बोल सकते हो,
और किसी को बुरा लगा हो तो सो सॉरी यार, क्योंकि रैंडम में हम भी आ जाते हैं। यहाँ पे देखो गाइस, मैंने एक को नॉक किया और दूसरे को नॉक किया। इस तरह से गाइस आप 1v4 कर सकते हो, 1v3 किया है मैंने यहाँ पे, और आपको इसी तरीके से करोगे तो भूया निकलेगा। नंबर 1 पे जो हमारी ट्रिक आती है ये काफ़ी कॉमन है और मैंने काफ़ी सोच समझ के इसको रखा है। आपको हमेशा जो गेम है उसको कॉन्फिडेंट होके खेलना है कि आप मतलब बंदों को मार सकते हो, ये नहीं कि डर के खेल रहे हो। डर के मीन सर्वाइव करो, सब कुछ ये ट्रिक फॉलो करो, लेकिन इतना भी मत डर जाओ कि मतलब सामने तुम्हारे बंदा अचानक से आ जाए और तुम उसे डर के भाग रहे हो। ऐसा कोई सीन नहीं होना चाहिए। अगर बंदा आ गया है तो तुम 1v4 करने की सिचुएशन करो, कॉन्फिडेंट रखो अपने अंदर कि मैं मार सकता हूँ उसको, वो इतना बड़ा कोई प्यूरो प्लेयर नहीं है कि मेरे को नॉक कर देगा, ठीक है। यहाँ पे अब तुम ये सिचुएशन देखो, ये एक बंदा है, इसने मेरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब तंग कर रखा था, और यहाँ पे देखो 2-3 बंदे निकले। अब मैं अगर डर के भाग जाता तो गाइस मैं मर जाता ना। मैंने इसको फिर भी थोड़ा सा ज़िगज़ैग करके मैंने इसको नॉक कर दिया, क्योंकि पीछे से मेरे दोस्त डैमेज दे रहा था। अब पीछे वाला मेरा दोस्त जो है मर चुका है, मतलब उसको पूरा फिनिश कर दिया। 3 बंदे डाउन पड़े सामने वाली टीम के, और एक बंदा वो पीछे गैरेज के अंदर है। अब मेरा दोस्त मतलब दोस्त क्या बोलूँ यार, रैंडम प्लेयर थे ये सब के सब, ठीक है। माइक हेडफोन से कुछ ऑफ कर रखा था मैंने कि देखो ये बंदा है, और मैंने इसको फटाक से मारा और गेम हमारा भूया निकल गया। इस तरीके से गाइस आप ट्रिक्स फॉलो करो और मेरी गारंटी भूया होगा। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।